वेलकम टू माय चैनल किरणस्वल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो। तो आज मैं तैयार वैर होके जा रही हूँ अपने फ्रेंड से मिलने, जो कि मेरे मायके से 1 घंटे का रास्ता है। तो वहीं जा रही हूँ उसके घर। पहली बार, मतलब फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ उसके घर मिलने के लिए। ऐसे हम लोग का मिलना हो चुका है 1-2 बार शादी के बाद, तो आज फर्स्ट टाइम उसके घर जा रही हूँ। तो बहुत एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए, उसके घर जाने के लिए। तो अभी निकलते हैं, हम लोग तैयार हो चुके हैं। डुगू पापा भी तैयार हो चुके हैं, तो निकलते हैं गाइस, मिलते हैं वहाँ पे। हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। सुबह से तो गर्मी नहीं था, अभी अचानक से धूप इतना उठ गया, गर्मी लग रहा है पूरा, है ना डुगू? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आंटी के घर। जा रहा आंटी के घर। तो गाइस निकलते हैं यहाँ से, 1 घंटा लगेगा पहुँचने में से घर। फिर पहुँच के दिखाते हैं वहाँ का ब्लॉग, ठीक है? तो गाइस पहुँच गए, 1.5 घंटा लगा। तो मेरी फ्रेंड की बेटी खड़ी है हम लोगों को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए आई हुई है। तो जाते हैं घर, फ्रेश व्रेश होते हैं। आ गई। क्यों, तुझको आना चाहिए था ना। ये रही मेरी फ्रेंड, मुझको पता था तू यही करेगी बोल के, समझी? आ जाओ रुको, आ जाओ। गाइस फाइनली आ गए, इतना थक गई पता है, बोली 1 घंटा लगता है। हाँ, हम लोग बस पता है टाइम देख रहे हैं कब 1 घंटा होगा, 1 घंटा होने के बाद भी नहीं पहुंच रहे हैं। इतना देर में पता है कहीं और, मतलब कुछ भी जाके आ जाते, इतना दूर घर है। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, आप लोग खाओ। खा लो फिर, सावन चढ़ने वाला है, 2 महीना भेज खाना है। जो 2 महीना है, ठीक है खाओ। हाँ अपना घर समझ के, ठीक है, शर्माना मत, ठीक है। आया चलो डुगू चलो, आओ इधर आओ, इधर 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 इधर। क्या कर रहा था? फ्रॉम जेट। आए गीता, मेरे हस्बैंड को अच्छे से खिलाएगी, ठीक है? एकदम अच्छे से खिलाना, देख सूख गए हैं, तेरे तरह सूख गए मेरे हस्बैंड। आज देख ना गीता, तेरे तरह सूख गए मेरे हस्बैंड। हाय पापा के साथ खाएगा? हाँ नहीं, चलो आ जाओ इधर आ जाओ। तो गाइस खाना आ गया है, बहुत जोर की भूख लगी है। तो अभी हम लोग खाते हैं और दिखाती हूँ खाने में क्या क्या बनाई है मेरी फ्रेंड। क्या है ये? दो तरह का फिश है, आलू भुजिया, दाल, इतना कुछ, मतलब एक दिन में खिला के मोटी कर देना है। और बोल रही है कि कम हो गया है ना, और करना था। हाँ हाँ, देखो कितना सारा मासी, कितना कुछ बनाई है। गाइस खाना खा ली, बहुत ही टेस्टी बनाई थी। महारानी बोलती है मुझे खाना बनाना नहीं आता, बहुत ही अच्छा बना था, है ना? अच्छा बना था। हम तो उंगली चाट चाट के खाए। मैं उंगली नहीं चाटती, बट पूरा खाना फिनिश कर दी, बहुत ही टेस्टी बना था। और कुछ रेसिपी मैं उसे पूछ ली क्योंकि मुझे भी ट्राई करना है। तो खाना बहुत ही अच्छा बना था और यहाँ भी आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो माहौल है बहुत ही अच्छा है और घर भी बहुत अच्छा है, इतना अच्छा घर है इसका, एकदम फिट फाट सजा के रखी है घर को। नो गीता के गार्डन में बहुत बहुत सारा पेड़ वेड़ लगा के रखी है। अरे मेरे घर भर गया है एलोवेरा, दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या पेड़ लगा के रखी है। एक मिनट, मेरी फ्रेंड का गार्डन बहुत सारा फूल वूल लगा के रखी है एकदम। ए ये मेरे पास है लेकिन मेरा मोटा वाला है। वाह बहुत सारा फूल है। अरे जोक नहीं है तो गीता, मेरे पास ऑरेंज कलर का है, येलो कलर का है। हाँ दाल ले आ पाती है ना। तो एक तो पेड़ में व्हाइट और एक तो मतलब रेड फूल होता है हम लोगों का जो कटिंग किया। मेरे पास ऑरेंज कलर का है, ये वाला जो है हो गया मदर प्लांट बोलते हैं उसको। ये वाला अच्छा लग रहा है फूल, ये वाला अपराजिता अपराजिता है, अच्छा है। देख कितना सारा पंखुड़ी है, अच्छा लग रहा है, इसका बीज ले जाऊंगी। येलो वाला भी तो है, येलो है, ऑरेंज कलर, लाइट ऑरेंज, डीप ऑरेंज, मैं बहुत पेड़ लगाई हूँ तो छत पे। ये रहा ऑरेंज तेरा, ये कौन सा ऑरेंज है? थक्का वाला है क्या? इतना बड़ा बड़ा होता है ये लगाई, ये तो ऑरेंज तो है लेकिन थक्का वाला है ये, बहुत सारा होगा। गुलाब का पेड़ भी है, अच्छा है। तो पता जगह होने से ना अच्छा लगता है बागीचा वगैरह बना। हाँ ये गुलाब का पेड़ है। गीता का देवर का घर
कहाँ है? हाँ ये गीता का देवर का घर है, पर घर अच्छा है, था एकदम एकदम साइलेंट है ना, अच्छा है ना माहौल, खूब अच्छा माहौल, अच्छा है बहुत। ना आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। ये है मेरी फ्रेंड का छोटा सा शॉप, और ये है बुलाती हूँ जीजू, बैठे हैं दुकानदारी कर रहे हैं, सिर्फ सारा दिन मेरे जीजू से खाली मेहनत करवाती रहती है, हाँ खाली मेहनत करवाती है। ये टुकू क्या खाएगा बोलो, वो जो खाना है तुम खाओ। नहीं ठंडा लगा है, आइसक्रीम छोड़ के आज तो पूरा छूट है, तुमको जो खाना है खाओ। टुकू क्या खाना है तुमको? आइसक्रीम नहीं खाना है, आइसक्रीम नहीं खाते, तुमको ठंडा लगा है। मोमो खाएगा, मोमो खाएगा, मोमो आइसक्रीम खाएगा, ठंडा लगा हुआ है। डुको मत खाओ आइसक्रीम, खाओ का मम्मा खा लेगी। गाइस देखिए इसको लगा है ठंडा और फिर आइसक्रीम खा रहा है। हाय थैंक यू बोला मासी को, थैंक यू बोलो, जाओ बोलो, नहीं सुना मासी, जाओ फिर से बोलो, बोलो। तो गाइस मेरी फ्रेंड दी है मोमो, उसके दुकान का मोमो टेस्ट करवाने के लिए, देखती हूँ कैसा लग रहा है खाके। मोमो टेस्टी लग गया है, टेस्टी लग रहा है, खा जा। हाँ। गाइस बहुत ही टेस्टी लग रहा है, बहुत ही अक्सर बोला करती थी मेरे, अक्सर मोमो खाएगी तो बोलेगी सच में बहुत ही अच्छा बना है। मम्मा मोमो खा रही है, लो आप भी खाओ। देवांश को दो, देवांश को, देवांश गुस्सा कर दिया। अच्छा बहुत अच्छा, मुँह में देते ही गल जा रहा है, पता है कैसा है सोचिए ना, बहुत ही अच्छा बना है, पता है इतना अच्छा लग रहा है खा के। पापा खा रहा है, देखो कैसे पापा खा रहे हैं। बहुत अच्छा बना ना, एकदम यम्मी। हो गया खाना, अब इसको खाना है, कितना खिलाएगी तू बता तो। हाँ क्या है, क्या है ये, क्या है ये, मुर्गा का अंडा, सॉरी ऊंट का अंडा है क्या? नहीं क्या है, टाइफो, 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 जैसे टाइफो। देखिए देखिए कितना बड़ा टाइफो, ये सब मेरा रात का डिनर है, शायद रात को खाना नहीं खा पाऊंगी। दिखाती हूँ क्या क्या अंदर है इसका, ये भाई ये देखो दीदी क्या दी, तो इसके अंदर इतना कुछ है, मैं पता रात का एक्चुअली ये डिनर ही है मेरा, तो इसको मैं पूरा नहीं खाऊंगी, देख के पेट भर जा रहा है मेरा। खाती हूँ उसको थोड़ा सा टेस्ट करती, इधर ऐसे ही बनता है ना ये, इसको टेबल पे रख के खाना होता है, रात का कैसा लगा? अभी हो गया है मॉर्निंग और यहाँ बहुत बारिश हो रहा है, फोन चार्ज में लगाना है, पूरा ही बारिश हो रहा है, फोन चार्ज में, और बारिश में अगर हम चाय नहीं उठा, तेरी बेटी है लेकिन आप जाइए मैं ही हूँ, उठ के तो भागता है अगर गिर गया तो, उसके लिए बस इतना ही, इतना ही, इतना ही कुछ और भी लाना चाहिए तुम्हारा नाश्ता में, जा लेके आ। कौन है बाबू के फोन का? वही है तो गाइस इतना कुछ ला दिया ब्रेकफास्ट में खाने के लिए, ब्रेकफास्ट ही है। गीता गीता
आगिता, ये हम लोग का ब्रेकफास्ट ही है पता है। इतना कुछ नहीं, मैं तो सुबह खाती नहीं हूँ, बस एक या दो बिस्किट लूंगी और कुछ नहीं। ओ खाना कुछ नहीं, बस बस हो गया मेरा, हम चाय दे जल्दी खाइए, ऊपर में दे देती हूँ। महारानी एकदम नहा धोवा के रेडी, सब तो काम हो गया और हम लोग सो के उठे अभी। इतना हार्ड वर्किंग वुमेन है। हाँ, एक कप चाय के बदले मूंगी चावल टोस्ट बिस्किट सब चाहिए। इनको क्या चाहिए पूछ, नाश्ते में क्या चाहिए? चाय में कुछ नहीं चाहिए ना, चाय भी नहीं चाहिए। और कभी चाय भी पियेंगे तो एकदम स्पेशल बना के देना पड़ेगा, फिर भी उस पर थोड़ा सा कुछ कुछ निकाल ही देंगे, ये कमी है पता है। हम खुद से बनाएंगे तो बिकू ये बिकू सुबह सुबह हो गया, मॉर्निंग बोला बोलो, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग बोल दो, हैव अ नाइस डे बोल दो। इतना शर्माता है, लड़की है क्या? चाय पिएगा बिकू, चाय पिएगा क्या कर रहा है देवांश? ठीक है, मम्मी पापा जा रहा है, नहीं जा रहा है घर, देखो आ इधर फ्रेश हो लो, नहीं जाएगा घर, नहीं जाएगी हम लोग, अब ऐसे रेडी हो जाओ घूमने जाएगा, सबको मिलकर घूमने जाएंगे। अरे भैया लोग रेडी होने बोला है, चलो हम लोग जाएंगे घूमने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देवांश नहीं जाएगा, चलो भैया हम लोग घूमने जाते हैं, चलो चलो बोलो सब टीम लगा लेंगे, भैया अपने घर लेके जाएगा, चलो कैसे भाग रहा है, नहीं जाएगा घर, यही रहना है, मन लग गया इसका, भैया और दीदी के पास ही रहना है, नहीं आएगा तो लेके आओ तो बोलते जाना नहीं है पता, यही रहना है, तैयार हो लेती हूँ, निकलने का टाइम हो गया है, एक दिन रह ली, अच्छा लग रहा है, जाना पड़ेगा घर। तो गाइस फाइनली जाने का टाइम आ गया, लेकिन बहुत मूड ऑफ है मेरा, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन रह भी नहीं सकती, नहीं रो रही हूँ, अंदर से रो रही हूँ, तुझे क्या लग रहा है? मैं रो रही हूँ, बहुत अंदर से रो रही हूँ, सच में अच्छा लग रहा है यहाँ पर रह के, और बच्चे भी है, सब मस्ती कर रहा है, बिकू देखना कैसे एकदम इन लोगों का मिल गया है, पूरा मस्ती कर रहा है, नहीं जाएगा तू घर, जाएगा जाएगा घर, कितना अपसेट होकर बोल रहा है ना। तो निकलते हैं, गाड़ी आ गया है, नाम क्या है? पता नहीं फोन में आएगा किसी बार, लेकिन मिलेंगे जल्दी, ठीक है, नाम क्या है? तो निकलते हैं हम लोग, घर जाना है, घर से कॉल आ रहा है, गाइस अभी अभी हम लोग घर पहुँचे, एक घंटा लगा घर पहुँचने में, तो
बहुत ही इन्जॉय की फ्रेंड के साथ, बहुत ही अच्छा लगा। और डुकू को भी बहुत अच्छा लगा मेरी फ्रेंड की बेटी के साथ और उसका भतीजा के साथ, बहुत इन्जॉय किया। उसको तो आने का मन नहीं था, बोल रहा था नहीं जाऊँगा। और एक्चुअली मुझे भी मन नहीं था आने का, सोची थी आज रुक जाती, लेकिन कल डुकू का स्कूल है तो स्कूल मिस नहीं कर सकती ना, इसीलिए चली आई। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। टाटा बाय बाय बाय। करो फिर से बाय।